हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे कि एल्कली मेटल्स को जो हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो लिक्विड अमोनिया जो है उसका सॉल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू कलर हो जाता है। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं, अगर एल्कली मेटल कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं उस सॉल्यूशन में, लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में, तो जो कलर है वो ब्लू से धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है, और बाद में धीरे धीरे वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे जो कलर है वो कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा ऑफ दैट लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। तो जो कलर में चेंजेस ऐसे क्यों आ रहे हैं इसको हम स्टडी करेंगे। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। व्हेन एन अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया द सॉल्यूशन कैन एक्वायर डिफरेंट कलर्स, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ कलर चेंज। मैंने आपको अभी बताया कि अल्कली मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में हम डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। वो ब्लू क्यों होता है, जो कलर है सॉल्यूशन का ब्लू इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में जाएगा, मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, सो द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डीप ब्लू बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल आयन जब अमोनिया के सॉल्यूशन में गया तो वो क्या बनाएगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और अमोनिएटेड कैटायन बनाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो क्या होता है, डीप ब्लू होता है। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है दे एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन, रेड कलर एब्जॉर्ब करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये इम्पार्ट करेंगे, दे विल इम्पार्ट ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, बट ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है धीरे धीरे ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि जैसे ही हम एल्कली मेटल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने एल्कली मेटल का कंसंट्रेशन इफ मोर देन 3 मोलारिटी हमने ले लिया, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट पेयरिंग, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही रीजन है कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है धीरे धीरे वो ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एल्कली मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं, इफ कंसंट्रेशन कम है तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, इफ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्रॉन्ज कलर का होगा, और वो धीरे धीरे बाद में कलरलेस भी हो सकता है सॉल्यूशन। जब कलरलेस सॉल्यूशन है या ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज डायमैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्योंकि डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सारे पेयर्ड हो गए। लेकिन जब कंसंट्रेशन कम होती है लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल्स की, तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया, एंड दैट ब्लू कलर सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जिसको हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम करते हैं बेटा यूजेस ऑफ लिथियम। तो इसमें यूजेस देखो, लिथियम को यूज करते हैं इन मेकिंग अलॉयज। लिथियम लेड जो है इसको हम बोलते हैं व्हाइट मेटल भी बोलते हैं, इट इज़ यूज फॉर मोटर इंजन्स। लिथियम अलॉय, लिथियम एल्यूमिनियम का जो अलॉय है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट प्लेन्स, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है। नेक्स्ट इज लिथियम मैग्नीशियम का अलॉय, इट इज़ यूज मेक आर्मर प्लेट्स। नेक्स्ट यूज है लिथियम का, इट इज़ यूज इन थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं लिथियम का। नेक्स्ट हमारा सोडियम, सोडियम का यूज़ कहाँ पे होता है, सोडियम इज यूज टू मेक अलॉय, सोडियम लेड का अलॉय बनाने में यूज होता है सोडियम का, विच इज फर्दर यूज इन मेकिंग टेट्राइथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड, PbET4, ET मतलब इथाइल, PbME4, Me मतलब मिथाइल। तो ये जो दो कंपाउंड है, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ लेड एंड इथाइल एंड लेड एंड मिथाइल, इनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम लेड का जो अलॉय होता है। अब एक चीज है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज टू, इनको हम एंटी नॉकिंग एडिटिव भी बोलते हैं, दीज आर यूज एज एंटी नॉकिंग एडिटिव टू पेट्रोल, पेट्रोल में इनको ऐड करते हैं, ठीक है। और एंटी नॉकिंग एडिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, नॉकिंग टाइम कम कर देता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टू कंपाउंड्स, इनको हम एंटी नॉकिंग एडिटिव बोलते हैं और इनको हम पेट्रोल के साथ ऐड करते हैं। रीज़न, क्योंकि जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स हैं जब भी हम इनको पेट्रोल में डालेंगे तो ये क्या करेंगे, पेट्रोल का जो
नॉकिंग टाइम है वो क्या हो जाएंगे, डिले कर देंगे, ताकि क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो ये क्या करते हैं थोड़ा सा डिले कर देते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है, लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब रिएक्शंस होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उस टाइम लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज एज अ कूलेंट। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम हैज़ अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप एंड यूज एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ CO2। नेक्स्ट है सीजियम। सीजियम इज यूज इन डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। उससे पहले बेटा हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स में, वी डिड द कि जब एल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। दैट मेटल ऑक्साइड्स कैन बी मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड, ये हम कर चुके हैं। फिर आगे ये जो ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जो मोनोऑक्साइड है दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। जो ये है परऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2, और H2O2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है जो सुपर ऑक्साइड है दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म MOH प्लस O2 प्लस H2O2, तो ये साइड प्रोडक्ट्स इनमें रिलीज होते हैं। इसमें O2 भी होगा, इसमें O2 नहीं है, इसमें ना H2O2 है ना ही O2 है। नेक्स्ट हम करेंगे जो परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स है दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्मिंग H2O2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये H2O2 एंड O2 रिलीज करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, तो जो हाइड्रोक्साइड कौन कौन से, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रूबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी इंक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितना जल्दी OH जो है वो रिलीज होता है। तो हमें पता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो एल्कली मेटल का साइज इंक्रीज होता है, जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा वो उतना ही उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा OH के साथ उतना ही वो इंक्रीज करेगा। तो सीजियम का साइज क्योंकि बड़ा है, ठीक है, तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा विद OH वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू लिथियम। लिथियम का जो साइज है वो छोटा होता है और उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा OH के साथ वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है वैसे वैसे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो यही रीजन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, OH जल्दी रिलीज होगा, तो दैट इज वाई बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। तो यही इसका रीजन है। फिर नेक्स्ट है ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो ऑरेंज इन कलर। वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो KO2 है पोटेशियम ऑक्साइड्स है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो ये एक सुपर ऑक्साइड है। KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। तो यही रीजन है कि जो KO2 है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। फिर नेक्स्ट है द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं एंड डिजोल्व इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। फिर नेक्स्ट हम करेंगे हलाइड्स। अगर हलाइड्स की बात करें तो मेटल रिएक्ट विद हैलोजन्स टू फॉर्म MX, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। एक्स कैन बी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन। देन अगर हम बात करें लिथियम हैलाइड्स की, तो लिथियम हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड इज स्प्रिंगली सॉल्युबल। जो लिथियम हैलाइड्स हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के। तो क्या रीजन है कि लिथियम फ्लोराइड जो है स्प्रिंगली सॉल्युबल है, स्प्रिंगली सॉल्युबल जो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इन केस ऑफ लिथियम फ्लोराइड लैटिस एंथैल्पी इज मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी के लिए हमें दो चीज़ देखनी है यहाँ पर, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी हम डिस्कस कर चुके हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनको
डिफरेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, वो एक लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। एंड वी नो दैट लिथियम और फ्लोरिन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, लिथियम फ्लोरिन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो स्मॉल होता है, और बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए लिथियम फ्लोरिन के जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे वाटर में वो सॉल्युबल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी ओवरकम कर रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी को, तो इसीलिए जो लिथियम फ्लोराइड है वो वाटर में कम सॉल्युबल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स फ्लोराइड्स फ्रॉम लिथियम फ्लोराइड टू सीजियम फ्लोराइड इंक्रीजेज रेगुलरली, वाई? लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑन गोइंग फ्रॉम लिथियम फ्लोराइड टू सीजियम फ्लोराइड बोथ हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। देखो फॉर एग्जांपल सीजियम और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, सीजियम फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा हमें पता है दिस इज वीक बॉन्ड, तो जितना जल्दी ये टूटेगा, ठीक है, उतना ही जल्दी आयंस में कन्वर्ट होगा, तो इसका लैटिस एंथैल्पी कम हो गया, ठीक है। दूसरा जो सीजियम है अगर ये वाटर में जाता है तो ये कम वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होगी, तो यही रीज़न है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होती है, लैटिस एंथैल्पी भी कम हो जाती है, तो यही रीज़न है कि जो जो एल्कली मेटल्स फ्लोराइड्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है रेगुलरली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स को। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। फिर फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं? H2CO3, H3PO4, H2SO4, HNO3, HNO2 एक्सेट्रा। ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो तीनों हाइड्रोजन है, दीज थ्री हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, एच पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन ईजिली, ये जो कंपाउंड है H3PO4 है वो तीन हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है एंड ईजिली एच पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, तो दीज आर ऑक्सो एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स की बात करें तो ये कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कार्बोनेट्स बनाते हैं? दे फॉर्म कार्बोनेट्स और फॉर्मूला M2CO3, M2CO3 वाला फॉर्मूला ये फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रूबीडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट है ये अनस्टेबल है, बाकी सारे क्या हैं, स्टेबल है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई इट इज़ अनस्टेबल। इसका रीज़न ये है, इसका लिथियम कार्बोनेट में जो लिथियम का साइज होता है वो स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज जो लिथियम है दैट कैन पोलराइज द ऑक्सीजन एटम ऑफ द नियर बाय, ठीक है, जो लार्जर कार्बोनेट आयन है उसको क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, CO बॉन्ड वीकन्स एंड इट ब्रेक्स टू फॉर्म Li2O एंड CO2। लिथियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Li2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो लिथियम है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ पोलराइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा तो दिस कंपाउंड ब्रेक्स टू फॉर्म लिथियम, Li2O अलग हो जाएगा, ठीक है, और CO2 अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम करते हैं बायकार्बोनेट्स की बात। जो बायकार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है MHCO3, तो दे ऑल फॉर्म बायकार्बोनेट्स ऑफ दिस फॉर्मूला। जितने भी बायकार्बोनेट्स हैं एल्कली मेटल्स के फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, जितने भी बायकार्बोनेट्स बनाएंगे दे डिकम्पोज, ठीक है, अगर थोड़ा भी हीट करोगे तो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। और क्या बनाएंगे, डिकम्पोज हो गए, कार्बोनेट बनाएंगे, CO2 गैस रिलीज करेंगे प्लस वाटर, ये बनाएंगे। लिथियम के अनोमलस बिहेवियर हम देखेंगे। जो लिथियम है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, ये बाकी अपने मेंबर के एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है। वो क्या होती है, एक तो इसका साइज सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
हाई हाइड्रेशन थल्पी होती है इसकी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है. तो दीज आर द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप. नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे लिथियम की बाकी एल्कली मेटल्स के साथ. लिथियम जो होता है हार्ड होता है, बाकी एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बाकियों का लो होता है. इट फॉर्म मोनोऑक्साइड, बाकी क्या बनाते हैं, परोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड. ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है. क्लियर, Li3N ये फॉर्मूला होता है. बट जो बाकी एल्कली मेटल्स है दे विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड. लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, ठीक है, बट जो बाकी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेस. लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज होता है टू गिव लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये हमने पढ़ा था अभी. बट बाकी एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं दे डू नॉट डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड्स एंड CO2. नेक्स्ट है एल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद इथाइन. एल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद इथाइन बट लिथियम कैन रिएक्ट विद कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकता है. बाकी एल्कली मेटल्स जो होते हैं लिथियम मेटल के डू नॉट रिएक्ट विद इथाइन, ये इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन जो बाकी एल्कली मेटल्स है दे कैन रिएक्ट विद इथाइन. फॉर एग्जाम्पल लिथियम लिथियम इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बट ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकता है. लिथियम कैन रिएक्ट विद कार्बन, ठीक है, बाकी एल्कली मेटल्स कैन रिएक्ट विद इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. तो ये कंपाउंड बनाएंगे, एसिटिलाइड बनाएंगे ये. नेक्स्ट है जो लिथियम नाइट्रेट है दैट डिकम्पोज टू गिव लिथियम ऑक्साइड्स NO2 एंड O2, ये फॉर्म होता है. लेकिन जो एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट है वो क्या करेंगे, सोडियम जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, अगर इसको हीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaNO2 प्लस O2. NO2 गैस नहीं रिलीज होगी इसमें. ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है. लिथियम क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है. इसकी हाइड्रेशन थल्पी ज्यादा होती है, बाकियों की हाइड्रेशन थल्पी लिथियम के कंपैरिजन में कम होती है. इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी सारे क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. बाकी जो लिथियम है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, LiCl2 वाटर. जो अदर एल्कली मेटल्स है दे विल नॉट एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड फॉर्म. नेक्स्ट हम करेंगे डायगनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम. जो लिथियम एंड मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो डायगनली मैच करती है. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगनल रिलेशनशिप बताती है वो हम अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर साइज है दोनों के. बोथ आर क्वाइट हार्ड, दोनों ही हार्ड है. लिथियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, वीक बेस है. इन दोनों के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होते हैं ऑन हीटिंग. जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज होकर क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड एंड H2O रिलीज करता है. नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज होता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म नाइट्राइड्स. लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाएगा, मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा. नेक्स्ट है इनके जो कार्बोनेट्स हैं दे डिकम्पोज टू रिलीज CO2. जैसे लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव CO2, सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑल्सो डिकम्पोज टू गिव CO2. नेक्स्ट जो इनके नाइट्रेट्स हैं दे डिकम्पोज टू गिव NO2 गैस. दोनों के जो कार्बोनेट्स हैं दे डिकम्पोज टू गिव NO2 गैस, आप इस इक्वेशन में देख सकते हो. नेक्स्ट इज लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इन दोनों के जो हलाइड्स हैं ये दो लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है, कोवलेंट इन नेचर है एंड सॉलिबल इन इथेनॉल. दोनों ही इथेनॉल में सॉलिबल होते हैं. बोथ हलाइड्स आर हाइड्रेटेड एंड दोनों के जो हलाइड्स हैं हाइड्रेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोरीन .2 वाटर MgCl2.6 वाटर. तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है लिथियम और मैग्नीशियम के.